चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यह वीडियो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है, जहां बाजार में ठेले पर फल विक्रेता थूक लगा लगा कर फलों को ठेले पर जमा रहा है। कोरोना महामारी देश में पैर फंसा चुकी है, ऐसे में पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और लॉकडाउन में सभी देशवासियों को काफी दिक्कतें और परेशानियां आ रही है, साथ ही सभी की जान जोखिम बनाई है। ऐसे में इस प्रकार की हरकत से लोगों में काफी रोष है। शाजापुर में भी एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो पुराने बस स्टैंड डिपो के पास का है, जिसमें एक फल बेचने वाले युवक पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह थूक लगाकर फलों को छू रहा है, वहीं पन्नी पर भी थूक लगा रहा है। देखिए पूरा वीडियो। साइड में लगाएगा, यही रोक दे नहीं तू तो। क्या थूक लगा रहे तू? ये पन्नी में थूक लगा लगा के बेच रहे थे? सर मुझे नहीं पता था मालिक के सुने। तो भाई बात सुन, एक में थूक लगाया तूने, दो दो तीन तीन में तूने थूक लगायो। ये मोबाइल रखा भी तो नीचे, सब फोड़ फाड़ दो तो मोबाइल। ये हाथ मत लगाओ, आप हाथ मत लगाओ, सुनो भाई, तूने बहुत गलती करी है तूने। अरे सर मुझे कोई नहीं पता था। तो तू तो एक एक में दो दो तीन सब में थूक क्यों लगाया तूने, ये बता। मेरी बात सुन, मैंने आधा किलो अंगूर लिया तूने थूक लगाया, मैंने एक किलो अंगूर लिया तूने उसमें थूक लगाया, क्यों लगा दिया थूक? तो मुझे कोई नहीं पता था सर। क्या आपको ये नहीं मालूम है कि पूरा ये इतना ये रामलीला चल रही है, इसमें थूक लगा के नहीं देखा? पहली बार ही ठेला निकाला मैंने तो। तो पहली बार थूक लगाया तो तूने एक बार में तेरे से एक किलो लिए, तूने थूक लगाया इसको, मैंने उसको अलग हटा के रख दिया, तूने दूसरी बार फिर थूक लगाया आधे किलो लिए, ये हटाइए। मेरी बात सुनो, तुम तो मारोगे, हम सबको मारोगे, मतलब तुम्हारा ये है मतलब कहने का, है ना? कितनी बार थूक लगाया तो थूक लगा के देगा मतलब हमको? सर मुझे नहीं पता, पुलिस वाले पूछेंगे तुमसे कि थूक लगा के देना है। अरे यार मैंने पन्नी निकालने में थूक लग गया तो रिपोर्ट कर रहा है, ठेला पकड़ा रहा है। माफ मत लो भले, मैं तुम्हारे लगाने में ठेले बंद करने जा रही हूँ। हेलो राजू भाई, अरे ना बुआ रे, ये ना ट्रैफिक पॉइंट के ना यार फटाफट। अरे यार ये जबरदस्ती में यार पन्नी निकालने कर ही कर तू। अरे रेंदो भाई ये ना आम भाई तू बुलाना है, मैं बुलाता हूँ अभी। एक कोरोना महामारी के चलते इस प्रकार की हरकतें काफी शर्मनाक है, ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। साथ ही प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि कोरोना महामारी के चलते इस प्रकार की हरकतें संक्रमण को बढ़ाएगी ना कि कम करेगी।